Dear students, we are going to study a new topics from thermodynamics chapters. Today we will study about the thermochemical reaction. What do you mean thermochemical reaction? Do you know what is the chemical reaction? A balanced chemical reaction. A chemical equation. Balanced chemical reaction and balanced chemical equation both are same. Thermochemical equation, chemical equation. What is the difference between both? Thermochemical reaction equation and chemical equation, a minor difference. In the thermochemical reaction, a balanced chemical reaction involving the heat of reaction, जो balanced chemical reaction है उसमें यहां जो लिखा जाता है वो heat of reaction भी लिखा जाता है. For example, C2H5OH plus 3O2 CO2 plus 3H2O liquid. तो यहां जो ये क्या है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यदि हम यहां क्या लिख दें, हीट ऑफ रिएक्शन जो होती है करीब, इसका मान होता है 1367 किलो जूल पर मोल. तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, दिस इक्वेशन नाम है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस. इसको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं. ध्यान दीजिए, एक केमिकल रिएक्शन और एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन में डिफरेंस मुख्य रूप से मेनली इस इक्वेशन में, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में यहां क्या लिखते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन का मान भी लिखते हैं. चूंकि यहां हीट ऑफ रिएक्शन जो यहां हम वी कैन से वन मोल ऑफ लिक्विड एथेनॉल एंड थ्री मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म द टू मोल ऑफ CO2 गैस एंड थ्री मोल ऑफ वाटर लिबरेट द हीट ऑफ रिएक्शन इज -1.1367 किलो जूल पर मोल्स. इट मीन्स दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने कुछ कन्वेंशनल नेसेसरी है, कुछ परंपरागत चीजें हैं उनको ध्यान रखना है. किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कुछ सामान्य से नियम है, जनरल रूल्स है, कन्वेंशनल रूल है, जिनको ध्यान में रखा जाता है. नंबर वन, कौन कौन से कन्वेंशनल है, नीड या रिक्वायरमेंट. नंबर एक, चूंकि जो हीट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सब्सटेंस कह सकते हैं. हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस. तो हमें क्या करना है, जो लिखते हैं सब्सटेंस लिखते हैं, केमिकल सिंबल लिखते हैं, उसके तुरंत बाद आफ्टर दिस आप उसका फिजिकल स्टेट लिखेंगे.
क्या लिखेंगे, फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल का फिजिकल स्टेट यहां क्या है, एल लिक्विड। तो फर्स्ट जो ध्यान में रखने की बात है, सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट लिखेंगे, उसके केमिकल सिंबल है, उसके तुरंत बाद उसकी हम स्टेट लिख देंगे, वो सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस स्टेट। पहला बातों तो यह आवश्यक है किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखने के लिए, ये जरूरी है लिखते समय ये ध्यान रखें, अब कोई भी रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसके केमिकल सिंबल के तुरंत बाद उसकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं। जैसे यहां गैस है जी लिख दी, यहां क्या है जी लिख दिया और यहां लिक्विड लिख दिया। तो ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन में ये जरूरी है लिखना। एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, देख NaS प्लस 1/2 O2 गैस प्लस 1/2 H2 गैस प्लस एक्वस प्रोडक्ट है NaOH एक्वस और हीट ऑफ रिएक्शन है -116.5 किलो जूल पर मोल। अटेंशन दिस साइड, इट मींस Na सोडियम एस सॉलिड, मतलब 1 मोल सोडियम ठोस सॉलिड्स, 1/2 मोल O2 गैस, 1/2 मोल हाइड्रोजन गैस। जलीय विलयन में एक्वस यहां क्या लिखेंगे, यदि जलीय विलयन है तो वहां क्या लिख देंगे एक्वस। जलीय विलयन में रिएक्शन करके 1 मोल NaOH का जलीय विलयन बना, NaOH का जलीय सॉल्यूशन बनता है। तो यहां जो जलीय सॉल्यूशन लिखा है उसके पीछे हमने क्या लिख दिया A और Q लिख देंगे, इसका मतलब ये जलीय विलयन। ये करके कितने हीट ऑफ रिएक्शन लिबरेट हुई दिस। तो पहला नियम तो ये था जब बता चुके केमिकल सिंबल के तुरंत बाद उस केमिकल की स्टेट फिजिकल स्टेट लिखेंगे, सॉलिड लिक्विड या गैस। दूसरा नियम है जो ये कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट यहां किस्मत क्या दर्शा रखा है, 3 दर्शा रखा है या 2 या 3, ये क्या दर्शाते हैं, व्हाट एक्सप्रेस अबाउट द कोफिशिएंट इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इट मींस दे आर शो दिस इज नंबर ऑफ मोल, नोट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो कोफिशिएंट है जैसे 3 है, यहां 3 मोल है न कि 3 ऑक्सीजन अणु है, यहां ध्यान रखने की बात है। जो कोफिशिएंट है जैसे यहां 1 ही है, मतलब 1 कोफिशिएंट है, मतलब यहां 1 सोडियम वो नहीं है, यहां 1 मोल ठोस सोडियम की बात है। यहां 1 मान लीजिए 2 है, तो यहां क्या मतलब है 2 का मतलब 2 मोल इथेनॉल का विलयन, यहां 2 मोल का मतलब अणु नहीं है, 2 अणु नहीं है। यहां जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का यहां मीनिंग है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन स्पेसिफाइड इक्वेशन, नोट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बात भी जरूर ध्यान रखने की है। तीसरी बात जो ध्यान रखने की है वो है जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे यहां हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है, इतनी, तो ये हीट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इनवॉल्व इन स्पेसिफाइड
इक्वेशंस, मतलब ये किस पर निर्भर करता है? यदि मान लीजिए इसका एक दो बटे इतना भाग ले रहा है तो क्या चेंज हो जाएगा? हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये निर्भर किस पर करता है? जो वैल्यू है, जो हीट ऑफ रिएक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन स्पेसिफाइड इक्वेशन। मान लीजिए इसको हम 3/2 और इसको 2/3 कर देते हैं तो इसका मान भी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इट मींस एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव क्वांटिटी। ये किस पर निर्भर कर रही है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, करती है कि नहीं? हमने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था व्हाट डू मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट डू मीन्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये एंथैल्पी इज एन आल्सो एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। क्लियर? ये हमने पहले बताया था कि आपको एक्शन प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर निर्भर करती है। यदि हम मोल चेंज हो जाते हैं तो एंथैल्पी का मान भी चेंज हो जाता है। इसलिए उन्हें रिपीट कर रहा हूं, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंथैल्पी। जो हम आखिरी बात जो बताने जा रहे हैं, नंबर 4, केमिकल रिएक्शन इज रिवर्ट, मतलब यदि कोई केमिकल रिएक्शन रिवर्ट हो जाती है तो वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी इज रिवर्ट इन देयर साइन। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन, उसको हम उल्टा लिख दे, रिवर्ट हो जाती है। जैसे देखिए N2 गैस प्लस H2 गैस बराबर क्या बनता है? अमोनिया। तब इसके एंथैल्पी चेंज हीट ऑफ रिएक्शन -9.8 किलो जूल पर मोल ओनली। ठीक है, क्लियर? ये कोई रिएक्शन है, एक मोल नाइट्रोजन गैस, एक 3 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया गैस बना रहे हैं। और कितनी ऊर्जा NO है, एंथैल्पी चेंज हो रही है, मुक्त हो रही है, हीट ऑफ रिएक्शन -91.8, ये इसका मान है किलो जूल पर मोल। यदि हम इस अभिक्रिया को रिवर्स कर दें, क्या कर दें? रिवर्स का मतलब 2NH3 गैस बराबर N2 गैस प्लस 3H2 गैस, तब क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? मात्रा तो उतनी होगी, लेकिन क्या बच्चों क्या चेंज हो जाएगा? मैंने कहा ना साइन, वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी चेंज, साइन इज चेंज, मतलब 91.8 किलो जूल पर मोल, उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्वांटिटी तो एंथैल्पी उतनी रहेगी, लेकिन उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। व्हाट डू मीन्स दिस? लिसन अगेन, दिस इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट इज माइनस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन। चिन्ह चेंज हुआ है क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो गई। क्या होगी? रिवर्स द रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, देयर साइन ऑफ द एंथैल्पी चेंज आल्सो रिवर्स। ये ध्यान रखना है, इस तरह की अभिक्रियाएं होती है।
यदि इसको हम रिवर्स करके लिखें, इस तरह लिखें, तो केवल इनका चिन्ह चेंज होता है, क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी चेंज हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल अपो दिस इज द एक्सोथर्मी रिएक्शन, दिस इज एंडोथर्मी रिएक्शन। तो ये कुछ रूल्स थे, कन्वेंशनल रूल थे, परंपरागत रूल थे, जो एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, किस प्रकार से हम उसको दर्शाते हैं। पहला नियम बताया हमने, उनकी भौतिक स्टेट लिखते हैं, फिजिकल स्टेट लिखते हैं, आफ्टर देयर केमिकल सिंबल, इट मे बी रिएक्टेड और इट मे बी प्रोडक्ट। ओके, ये हमने पहला बताया था सबसे पहले। दूसरा जो हमने जो बताया कि जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट क्या है, दीज आर नॉट द मॉलिक्यूल्स, दीज आर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट टेक पार्ट इन देयर केमिकल रिएक्शंस। ओके, तीसरी बात हमने जो बताई थी, जो इनकी मात्रा है, जो हीट ऑफ रिएक्शन, इट मींस एंथैल्पी चेंज हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, वो किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की मात्रा पर, नंबर ऑफ मोल टेकिंग पार्ट इन द स्पेसिफिक रिएक्शन। तो वी कैन से एंथैल्पी इज द कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी। और लास्ट जो बताया था हमने, इफ द केमिकल रिएक्शन इज रिवर्स्ड, द वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ रिएक्शन, देयर साइन विल बी रिवर्स्ड। और एंथैल्पी चेंज को हम किस में व्यक्त करते हैं, किलो जूल पर मोल में व्यक्त करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन को किलो जूल पर मोल में, यहां एक स्टैंडर्ड के रूप में विल हैव द डेनोटेड बाय किलो जूल पर मोल, स्टैंडर्ड रूप में अधिकांश किताबों में। और जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, इसको कई बुकों में इस प्रकार दर्शाते हैं, ध्यान दीजिए, इधर इस रूप में लिखते हैं, टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी का चेंज का, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस 298, इस रूप में भी लिखते हैं, ध्यान रहे। हायर एजुकेशन में क्या लिखते हैं, यहां टेम्परेचर लिखते हैं सबस्क्रिप्ट पर, और ऊपर जो जो दाब है, वो जो प्रेशर है, वो क्या होता है बच्चों, 180 एम एक एटमोस्फियर। तो एक एटमोस्फियर को हम लिखते हैं शून्य के रूप में, क्या लिखते हैं, वो सुपरस्क्रिप्ट लिखते हैं। इसके सुपरस्क्रिप्ट में हमने क्या लिखा, इसका मतलब क्या है, दाब कितना है एक एटमोस्फियर, और 298 का मतलब क्या है, टेम्परेचर केल्विन में। तो इस रूप में लिख लीजिए और चाहे इस रूप में लिख लीजिए, बोथ आर सेम, क्योंकि रिएक्शन यहां किस रूप में रहती है, एक वायुमंडल दाब, एक एटीएम, एक एटमोस्फियर प्रेशर, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या कह सकते हैं 298 केल्विन ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इस रूप में भी आप दर्शा सकते हो और इस रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख सकते हो, बोथ आर सेम, नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। क्लियर, जीरो का मतलब एक एटमोस्फियर और ये टेम्परेचर। तो इस तरह से हम एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, शोइंग कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये था थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।